यार जम्मू के लोगों को मोस्टली पता ही होगा क्योंकि बड़े सारे कपल्स जो कॉलेज कपल्स हैं वो जो आते जो जो हैं। डिब्बा हाँ निधि हैं वो आते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं आगे फिर मिलते। स्वागत करते हैं आपका SB ब्लॉग्स में। आज हम जा रहे हैं मानसर की तरफ। ये हम मेन स्टॉप से निकलने वाले हैं और ये हमारे साथ राइडर्स। आज हम दो ही राइडर जा रहे हैं रोड पे, तो आपको बताते जाएंगे साथ साथ में क्या चलता जाएगा। ठीक है सर, बने रहिएगा वीडियो में। मानसर की तरफ विशाल सा, इसी के सामने हमारे पास आ गया नेस कैफे। देख सन कौन चल रहा है, नेस कैफे ओपन है, बाकी ये चल रही है। तो हम इसी रोड ये चले जाएगी सीधा दूसरा फाइटर, वहाँ पे हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं नज़ारा। दोस्तों बिल्कुल अच्छा था, बढ़िया था नज़ारा, देखते देखते मौसम बन जाता आ रहा है। दोस्तों जो पीछे दिख रहा है आपको वादियों का, घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल साथ में ही नज़ारा है आपको मिलेगा। बढ़िया तरीके से बढ़िया नज़ारा होगा, है ना। तो आपको मिलते हैं अगले स्टॉप पे, बने रहिएगा तब तक वीडियो में देखते जाओ। अभी हम यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है, ये व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट की तरफ से हम निकलते जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखो भाई सारी होगी, अभी नॉइस के लिए मेरी तार टूट गई है जो कि मेरे बच्चे ने तोड़ दी है खींच के माइक की तार। अभी थोड़ा सा नॉइस रहा है। वो हरियाली कितनी अच्छी है यहाँ पे, मौसम है जो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये देखो हमारे पास नज़ारा, देखो कितना बढ़िया गजब का नज़ारा है जो आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया गजब का नज़ारा। एंथम पहुँच गए हम, एंथम विलेज को क्रॉस करेंगे अभी हम। देखो दोस्तों ये नज़ारा है, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा, बहुत बढ़िया। तो व्यू आ रहा है, वो व्यू कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, देखा आपने सामने से जो व्यू आ रहा ना, वो देखो देखते देखते बनता है। यही नज़ारों के पीछे ही तो हम घर से निकल के आते हैं, अदरवाइज तो अपने घरों में भी अच्छा रहता है बंदा। या आपको दिखाने के लिए दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में भी आ रहे हैं और थोड़ा लुत्फ़ भी उठा रहे हैं राइडिंग का। आपको नई नई लोकेशन बताएंगे डे बाई डे और हम आगे चलते ही जाएंगे। देखो ये नज़ारे हैं ना, ये नज़ारे हैं, ये देख के ही बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया नज़ारे देखने के अच्छे बनते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा जम्मू शहर और जम्मू शहर के बीच में हिंदी स्टेशन। देखो किस तरह से बढ़िया आपको नज़र आ रहा होगा हिंदी स्टेशन, हाँ नज़ारा जो पीस ऑफ माइंड है दोस्तों इधर के लोगों को कितना अच्छा होगा। फ्रेश एयर, हर चीज़ फ्रेश, पोल्यूशन फ्री और लाइफ तो इन्हीं लोगों की है हर चीज़। हम तो सिटी में रह के इस प्रदूषण ही प्रदूषण
का शिकार बने हुए हैं। देखो हम व्यू पॉइंट की तरफ रुके हैं, थोड़ा सा बढ़िया नज़ारा के बीच में। ये देखो छत देख लिया, कैमरा माउंट किया था मैंने पॉकेट में, और ये नज़ारा देखो देखो दोस्तों, नज़ारा देखो कितना प्यारा, बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, ये देखो नज़ारा देखो, देखो ये नज़ारा है, देखो बिल्कुल बढ़िया नज़ारा है, बिल्कुल बढ़िया नज़ारा देखो, रोड मेरी टाइगर वहाँ पे खड़ी है, इसकी इसकी जिपूरी यहाँ पे, मेरा ये राजा है, ये राजा है इसका, मेरी टाइगर है, हमारा टाइगर है, और ये वो नज़ारा है। इसी के लिए हम इतनी गर्मी में बाहर आए हैं और आप लोगों को नए रोड्स बता रहे हैं। शायद जम्मू के लोगों को मोस्टली पता ही होगा, क्योंकि बड़े सारे कपल्स जो कॉलेज कपल्स हैं वो आते हैं, जो हाँ वो आते हैं यहाँ पे। अब चलते आगे, फिर मिलते हैं आपको, तो बने रहेगा वीडियो में। आ रहे हैं, देखो जो रोड का नज़ारा है बिल्कुल बढ़िया है, और हम इनको क्रॉस करते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल नज़ारा नज़ारों के साथ, पहाड़ी पहाड़ी, और देखो व्यू जो व्यू है, इसी व्यू है साथ हम आ रहे हैं। देखो जो लेफ्ट व्यू आ रहा है ना, ये व्यू नहीं दिखेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, तो कितना अच्छा नज़ारा है जम्मू में भी। और आइए इस जगह पे आइए, एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे आप कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, आप अच्छी जगह ढूंढिए, कैंपिंग करिए, बट कैंपिंग करने के बाद जितना भी वेस्ट है वो आपका वेस्ट है, वो अपने साथ ही लेके जाइए दोस्तों, और उसको डस्टबिन में डालिए, क्योंकि इस पर्यावरण को कभी भी दूषित नहीं करिए, एनवायरनमेंट को कभी भी दूषित मत करिए। अगर आप कहीं पे जाइए आपको गंदा होगा तो आप वहाँ पे बैठ सकोगे नहीं ना, तो वैसे ही जब आप जाते हो गंद डालते हो तो क्यों दूसरों के लिए गंद डालो, तो अपने अपने आप वातावरण को खुद ही स्वच्छ रखना है, जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे आप कोशिश करिए, कुछ साफ नहीं कर पाए तो कम से कम अपना गंद तो वहाँ पे ना फेंके, हमारे जम्मू को भी नीट एंड क्लीन बनना है, और यही इसी की मुहिम के साथ हमने ये स्टार्ट किया अपना SB ब्लॉग, और मेरे इस ब्लॉग में मेरा किचन का चैनल भी है, सेम मैंने क्लब कर दिया किचन का चैनल, कुकिंग मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग मेरा शौक, तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अभी तो ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैं भी थोड़ी सी हेजिटेट हो मेरे को कैमरे के साथ बात करने में, बट आगे देखो नज़ारा देखो, आप नज़ारा देखो जो देखते ही बनता है, तो ग्रीनरी है ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी कहाँ मिल रही है, देखो गाय माता हमारे रोड से देखते हैं, इतनी ग्रीनरी नहीं मिलती है हमें। देखो ये हमारे पास आ चुके हैं चौक की तरफ, यही गाँव कनेक्ट करता आगे, देखो हमारे पास सिक्योरिटी चेक आ गया, यही करता एक मानसर की तरफ ले जाएगा, तो एक हमारे पास वहाँ ले जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये जो ये रोड दिख रहा है इसी में जो जाएगा हमारे पास रास्ता। चलो तब तक हम पानी शानी का इंतज़ाम करते हैं, हाँ प्यास लग चुकी है, गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, हम पानी की तरफ बढ़ते हुए, देखो एक गांव में जैसे हैंडपम्प वगैरह हमारे पास मिल जाएंगे, और देखो
पानी जो पीने का नज़ारा है दोनों। देखा कि कहाँ सिटी इसमें मिलता है ऐसा नज़ारा, मिलेगा सिटी में नहीं मिलेगा। मुंह धो लो, पानी पी लो, पानी फिल्टर्ड वाटर करो। ये बोलो देखो बढ़िया, इसी से हम पानी पियेंगे। आप पकड़ो डुप्लीकेट में बोल देंगे संदे खाड़े हेल्थी वाटर जो भी खत्म है जिस संदे। चलो अब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये मानसर की यहाँ पे लेक जो मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे हमारे देवते हैं यहाँ से। हेलो, बस पहुँच गए हम पिछले नदी 3 या 4 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बहुत सुबह दोस्तों। अब पहुंच गए हम मानसर में, जैसे देख सकते हो आपकी मेरे पीछे क्राउड है मानसर में बिल्कुल, और यहाँ से यही रास्ता है बिल्कुल मानसर, आपको दिख रहा होगा मानसर जी। तो बढ़िया क्राउड तो है, क्राउड तो काफ़ी सारा मानसर जी। ये देखो आ रहा आपको मज़ा, पहुँच गए। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है तो क्राउड को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ मछलियाँ बोलते हैं, ये देखिए, ये देखो नज़ारा, ये देखो मगरमच्छ। हाँ एक यही जा रहा है मगरमच्छ। देखो दोस्तों मानसर पहुंच चुके हैं और देवतों को आटा डाल दे जा रहे हैं। ये देखिए नज़ारा, बढ़िया बढ़िया नज़ारा है ना। देखो
देखिए और यहाँ पे भी कुछ लोग, काफी भीड़ है और भीड़ को हम अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करते हुए। ये देखिए लाखों की तादाद में देखिए। और ये दोस्तों यहाँ पे लाखों की तादाद में सीधी ये देवते होते हैं यहाँ पे मानसर में। यहाँ पे बिल्कुल फिशिंग करना मना है और ये लाखों की तादाद में सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये तो थोड़ा सा हिस्सा है जो हम बाहर देखिए, जो आपको क्राउड मिलेगा, कितना क्राउड होगा बाहर देखिए। देखो जहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि लाखों की तादाद में, ये देखो आपको बिल्कुल पास से बताते हैं, ये देखो ये देखिए नॉटीपन देखो इनका कितने ज्यादा नॉटी है। पानी से पूरी पूरा पानी फेंकते हुए देखिए क्या नज़ारा है, देखो गजब का नज़ारा, बिल्कुल पानी फेंकते हुए। ये देखिए देखो नज़ारा देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आना आज हमारा ये देखिए देखो इनका दोस्तों, ये हमारा व्यू है मानसर लेक में खड़े हैं। और ये देखिए इनका नॉटी बन है, बिल्कुल बढ़िया देखिए। और मानसर का बिल्कुल नज़ारा आपको देखा, कितना ही गजब का व्यू है। देखा हो क्या नज़ारा है, इसी नज़ारे में हम सभी देखो गर्मी में भी इस नज़ारे में मज़ा लेते हुए हम सभी थोड़ा अपना भी खाना क्या इंतजाम करते हैं, क्या खुला है बाहर क्या बंद है, चलो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में चिल करते हुए विद चाय की चुस्कियों के साथ, और हम बैठे हैं बड़े ही खूबसूरत नज़ारे में, देखिए चहचहाना और बढ़िया सा नज़ारा, ये नज़ारा है देखने के ही मिलता है। पॉड मीटिंग ऑन है, अच्छा कैसा लग रहा है आपको? इस लड़की का भी अपना ही ब्लॉग है, कल इसने बनाया था थर्वी वाइंस, ये देखिए नज़ारा, जो बैठ के चाय पीने का मज़ा है ना वो ऐसे ही है, बिल्कुल बढ़िया सा, कितनी भी थकावट होती है ना सारी की सारी दूर हो जाती है। तो इतनी अच्छी जगह पे आके नज़ारा लेने का मज़ा जो है वो देखते बनता है। मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना वैसे। कौन सा चैनल है आपका वैसे? अथर्वी वाइंस। ये ब्लॉग सुनाती है दोस्त? आज का ब्लॉग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे पापा के ब्लॉग के साथ। यहाँ से जो नज़ारा है वो देखने से ही बनता है, और यहाँ पे जो फ्रेश एयर है बिल्कुल बढ़िया, और यहाँ पे हो रही है इनकी पार्टी शर्ट, ये देखिए
हम पार्टी नहीं कर रहे हैं। ये हम हैं, ये हमारा लेस है और हमारी पावर है। ये इनकी पार्टी हो रही है और ये नज़ारा है, देखो देखने से बन रहा। देखो ये नज़ारा है।